अब ये जो चीज़ है, मैं सोच रहा था इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और होपफुली आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगी। आजकल ना जो SSD मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं, पहले बिगिनिंग में जब SSD नई नई आई थी तब तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपनीज थी, गिनी चुनी जो दो चार रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, लेकिन आज बहुत सारी कंपनीज हो गई है SSDs में भी, ठीक है। बहुत सारी SSDs आपको मार्केट में मिल जाएंगी, सेटा SSD, M.2, NVMe, सेटा PCI एक्सप्रेस वाली, और जो PCI एक्सप्रेस कार्ड में डिज़ाइन की जाती है वैसी SSDs भी मिल जाएगी। अब ये जो SSD मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको ट्रिक करती है कंप्रेसिबल डेटा के साथ। मैं समझाता हूँ कैसे। एक तो हम जो फाइल राइट करते हैं SSD पे, वो होते हैं नॉर्मल जो हमारा डेटा होता है, जो कि अनकंप्रेसिबल डेटा होता है, यानी कि रैंडम डेटा होता है जिसको इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो SSD का जो कंट्रोलर है ना, वो उसकी लाइफ को बचाने के लिए, मतलब आपको पता होगा कि SSD का जो राइट साइकिल है वो लिमिटेड होता है, सबका ही होता है, लेकिन SSD में ये थोड़ी सी चीज़ थोड़ी सी और मतलब बाहर आई है कि राइट साइकिल्स और ये सब, तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही आप वो जो सारे सेल्स हैं ना उनको राइट कर सकते हैं, उसके बाद वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी लाइफ को कहीं ना कहीं बचाने के लिए ये फीचर SSD कंट्रोलर के अंदर होता है, और जो रेप्यूटेड ब्रांड्स के कंट्रोलर हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत ही पावरफुल हैं, मतलब कंप्रेसिबल डेटा के साथ, जैसे कि SandForce। तो अगर आपके पास कोई SandForce ड्राइव है, उसमें SandForce का कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है, अब LSI ने परचेज कर लिया SandForce को, तो वो जो कंट्रोलर है वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप 8 GB की फाइल राइट करते हो, तो पूरा का पूरा 8 GB का वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई ना करके आप वो, अगर वो डेटा पर्टिकुलर डेटा अगर कंप्रेसिबल डेटा है, तो वो उसे 4 GB या 5 GB की फाइल बना देगा, ठीक है, मतलब कंप्रेस कर देगा डेटा को, और वहाँ पे 4 GB का ही स्पेस ऑक्यूपाई होगा, प्लस जो मैंने जैसे कहा कि साइकल्स है राइट साइकल्स, वो बचेगी, मतलब उसकी लाइफ बढ़ेगी। 8 GB की फाइल राइट करते हो तो वो ज़्यादा सेल्स पे राइट होगी, अगर 4 GB की करोगे तो कम सेल्स पे होगी। ओवरऑल SSD की लाइफ को बचाने के लिए, प्लस कंप्रेशन की वजह से स्पेस भी आपको थोड़ा सा कम यूज़ होगा, तो इसीलिए ये सब किया जाता है, और SSDs के साथ ही होता है, तो ये जो कंट्रोलर है ये सारे काम करता है। अब ये एक तरीके से एडवांटेज है, लेकिन मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि SSD मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियाँ ना, उनके लिए एक वरदान की तरह है, मतलब ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को ट्रिक करते हैं। तो अगर आप किसी SSD की साइट पे जाओगे, उसके प्रोडक्ट पेज पे और पढ़ोगे, तो और उसका जो पैकेजिंग होता है उस पे भी कहीं ना कहीं मेंशन होता है कि स्पीड लिखी होती है कि अप टू 550 MB/s, SATA 3 SSD की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो यूज़र पढ़ के पहले तो खुश हो जाता है जब वो परचेस करने जाता है कि 550 MB की स्पीड मिलेगी, लेकिन वहाँ पर लिखा होता है अप टू, और एस्ट्रिक का साइन भी होता है। तो आपको ये पढ़ना है थोड़ा सा, अगर कोई भी SSD परचेस करते हो ना, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना कि वहाँ पे जो स्पीड मेंशन की गई है वो कौन सी स्पीड है, अप टू है या कंप्रेसिबल डेटा के साथ है या नॉन कंप्रेसिबल डेटा के साथ है, ठीक है। तो हर डेटा, जैसे मैंने कहा, हमारा ऐसा डेटा नहीं होता कि जो कंप्रेसिबल होता है, जो कंप्रेसिबल डेटा होगा तो वो कंप्रेस करके उस पर राइट करेगा, और कुछ जो कंट्रोलर्स होते हैं जैसे कि SandForce कंट्रोलर, वो कंप्रेसिबल डेटा के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन्हें रैंडम डेटा दिया जाता है, जब नॉर्मल डेटा, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो SSD मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां क्या करती है, वो जो कंप्रेसिबल डेटा में जितनी स्पीड आती है ना, वो वहां पे मेंशन कर देती है, तो यूजर को कहीं ना कहीं लगता है कि हर बार मुझे ऐसी स्पीड मिलेगी, मतलब हर एक डेटा के साथ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप वहां पे नॉर्मल एक फाइल राइट करोगे जो कि कंप्रेसिबल नहीं है, तो वो उससे कम परफॉर्म करेगी। तो वहां पे 550 MB/s लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसे नॉर्मल डेटा दोगे तो वो 350 से 400 के बीच में परफॉर्म करेगी। तो आपके साथ ऐसा ना हो, मतलब ये SSD का एक क्या कहते हैं क्वालिटी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसा इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ना SSD मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां कई बार ट्रिक करती है आपको, यूज़र्स को, ठीक है, ऐसा दिखाया जाता है कि इतना परफॉर्मेंस है। और ये आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, अगर आपने कभी क्रिस्टल डिस्मक यूज़ किया है ना, तो वहाँ पे होता है एक, हम नॉर्मल कंडीशन में क्रिस्टल डिस्मक रैंडम डेटा राइट करता है आपकी ड्राइव पे जब उसे बेंचमार्क करता है, लेकिन अगर आप चाहो ना तो सारे जीरोज़ और सारे वंस भी राइट करा सकते हो, जैसे मैंने कहा वो कंप्रेसिबल डेटा हो गया, ठीक है। तो अब नॉर्मल कंडीशन में हमारा डेटा सारे जीरोज़ सारे वंस नहीं होते, कॉम्बिनेशन होता है जीरोज़ एंड वंस का, लेकिन आप अगर उसको परफॉर्म उसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहो तो सारे जीरोज और सारे वंस को भी राइट कर सकते हो, और कितना जो कंट्रोलर है वो कितना पावरफुल है कंप्रेसिबल डेटा के साथ वो भी चेक कर सकते हो। तो वो उस पर क्या करेगा, क्रिस्टल डिस्मक सारे जीरोज एंड सारे वंस राइट करेगा, ठीक है। तो ऐसा डेटा है वो कंप्रेसिबल डेटा कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जो हमारा रेगुलर डेटा होता है वो ऐसा डेटा नहीं होता, सारे जीरोज और सारे वंस का कॉम्बिनेशन करके हम कौन सी फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो जो डेटा होता है वो 0 1 1 0 ऐसे कॉम्बिनेशन में होता है, तो उस पर्टिकुलर डेटा के साथ वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहूँगा
कि वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना एडवर्टाइज किया गया होगा। तो अगर आप उसकी प्रोडक्ट पेज पे देखते हो या उसके पैकेजिंग पे देखते हो जहाँ पे लिखा हुआ है 550 मेगाबाइट पर सेकंड, या जो NVMe की बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है 3.5 गीगाबाइट पर सेकंड या 3.7 गीगाबाइट पर सेकंड, कई बार तो 4 गीगाबाइट भी मैंने किसी पे पढ़ा। लेकिन 4 गीगाबाइट तो PCI Express की Gen 3x4 का मैक्सिमम बैंडविड्थ है, ठीक है, तो इतना कभी मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग एडवर्टाइज करते हैं। तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो शायद हो सकता है, हर बार ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन शायद हो सकता है कि कंप्रेसेबल डेटा का नंबर लिखा हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है उस प्रोडक्ट पेज पे जाके, और उसके बाद ही कोई SSD परचेज करनी है, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कि यार लिखा था कुछ और आ रहा है कुछ और, ठीक है, और फिर आप मुझसे पूछो कि सर मैंने SSD परचेज की है, इसमें इतना परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो ये बात मुझे आपको समझानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगा कि अब सारे जो हमारे यूज़र्स हैं वो इस लेवल पे आ चुके हैं कि मैं ऐसी जो थोड़ी सी डीप बात है वो भी कर सकता हूँ और समझा सकता हूँ आपको। और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।